बच्चों आज हम बात करेंगे विच टाइप्स ऑफ लीडरशिप इज बेस्ट। आपके पाठ्यक्रम में जो लीडरशिप की अवधारणा थी वो तीन शैलियों की बात हमने किया था, डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और परमिसिव। अब बात ये आती है कि कौन सा नेतृत्व क्लासरूम में, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम कहता है क्लासरूम लीडरशिप के बारे में, तो क्लासरूम में किस तरह का लीडरशिप बेहतर हो सकता है। 2018 के विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ये सवाल पूछा भी गया है कि विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज बेस्ट, यू प्लीज जस्टिफाई। बात करते हैं अपने देश से, हमारे देश में शासन व्यवस्था या नेतृत्व कैसा है। डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है, और जब हम प्रजातांत्रिक देश की बात करते हैं तो इस नेतृत्व में सेंटर में जनता होती है, सेंटर में पब्लिक होती है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उसी तरह की अवधारणा को अगर आप क्लासरूम में लाती हैं, डेमोक्रेटिक क्लासरूम की अवधारणा, वहां कौन सेंटर्ड होगा, वहां स्टूडेंट सेंटर में होंगे, यानी कि सारा जो नेतृत्व है वो बच्चों की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों, उनकी उम्मीद और उनके व्यक्तित्व के विकास पर केंद्रित होगा। तो जब आप क्लासरूम लीडरशिप की बात करेंगे और जब ये पूछा जाएगा कि किस तरह का लीडरशिप बेहतर है कक्षा में, तो बेशक डेमोक्रेटिक, क्योंकि वहां पे सारी बातें स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं। टीचर के लिए एजुकेशन क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है और होना भी चाहिए। अब इस तरह के लीडरशिप में जहां बच्चे सेंटर्ड में है, वहां टीचर की भूमिका कैसी होगी। टीचर शेयरिंग पर काम करेगा, यानी बच्चों की बातों को भी सुनेगा, बच्चों के सवाल को पेशेंटली सुनेगा, धैर्य के साथ बच्चों के साथ डील करेगा, शेयरिंग वाला नेचर होगा। दो बातें, लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन, ये दोनों लीडर के लिए बहुत ही जरूरी है। जब भी मैं यहाँ लीडर की बात करती हूँ, इसे आप शिक्षक समझिए, एक टीचर की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी क्लासरूम के अंदर के नेतृत्व पर चर्चा कर रही हूँ। तो क्लासरूम के अंदर लीडर कौन है, टीचर है, और पब्लिक कौन है, स्टूडेंट्स। तो जब भी आप अपने आप को लीडर समझकर कक्षा में प्रवेश करती हैं, तो दो चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन, यानी संवाद स्थापित करना है आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ, और दूसरी बात है सुनने की कला, सुनने का धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप बच्चों की समस्याओं पर बात कर पाएंगे और बच्चों की आवश्यकताओं को समझ पाएंगे। फिर शेयरिंग है, बच्चों को भी बोलने दें, उनके भी विचार को सुने, और आपको लगता है कुछ नई बातें सामने आ रही है तो उसको हम इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं, उसको हम प्रयोग में लाते हैं, उस पर हम विचार करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो क्लासरूम में किन किन बातों पर ध्यान देती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, विजन होना चाहिए, आपके पास एक दूरदर्शिता होनी चाहिए कि आपको अपने कक्षा रूम में जो आपके बच्चे हैं उनको कितना नंबर तक ले जाना है, उनका अनुशासन कैसा होना चाहिए, उनके अंदर कौन कौन से गुण विकसित करने हैं। तो ये सारी बातों का जो योजना है, योजनाबद्ध तरीके से जो आपको प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग भी आपको करके रखनी होगी। दूसरी बात है कि आप में विजन होना होगा, कि दूरदर्शिता होनी होगी कि आपको अपनी कक्षा को कहाँ तक लेकर जाना है। तो अभी तक हमने जो बातें की, शेयरिंग पे बात हुई, लिसनिंग पे बात हुई है, कन्वर्सेशन पे बात हुई है। शेयरिंग मतलब क्या है, कि आपको विचारों को भी शेयर करना है और निर्णय लेने की जो शक्ति है उस शक्ति को भी थोड़ा बहुत विद्यार्थियों के बीच बांटना है, टीम वर्क वाली बात को डेवलप करना है। एक लीडर हमेशा लीडर बनाता है, लीडर तैयार करता है, अच्छा लीडर वही है जो कई सारे लीडर को बनाता है। तो आपको अपने स्टूडेंट्स के अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी कि वो आगे आए और टीम वर्क में काम करें, और किसी में अगर नेतृत्व का गुण है तो वो भी आगे आए, उनको भी प्लेटफॉर्म मिले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कक्षा में किस तरह का नेतृत्व होना चाहिए, और उस नेतृत्व के लिए एक शिक्षक को क्या क्या चीजें करनी होगी, किस तरह की योजनाएं बनानी होगी। धन्यवाद।